हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम खेलने वाले टेक्स्ट बोर्ड सिमुलेटर। सो फाइनली गाइस, आज फिर एक बार फिर से टेक्स्ट स्टोर में। और तुम्हें याद होगा यार, टेक्स्ट स्टोर में हमने अभी तक भाई एक रजिस्टर रखा था, उसको भी मैंने हटा दिया है। उसको बताऊंगा उसका रीजन क्या है। एंड ना यहाँ पे दो सेल्फ लगाए थे, बट वो सेल्फ खाली पड़े हैं क्योंकि मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। पता है रजिस्टर मैंने क्यों हटाया भाई? जो कैशियर था हमारे पास, वो चार्जेस $150 थे उसके। एंड ना मेरे पास अभी पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा था, तो पहले ना मैं भाई शॉप को क्लोज करता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले एक लोन लिया जाए, कम से कम $1000 का। रिटर्न हमें इतना करना पड़ेगा, पीरियड 3 डेज, डेली भाई 3 दिन में यार पे करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मैंने यहाँ पे करा है। एंड इसका कितना बनता है? 3500 कुछ डॉलर। तो मेरे को 2 लोन मिल सकते हैं अभी, ठीक है। एंड मैं अपने स्टोर को अपग्रेड कर सकता हूँ अच्छा वाला, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने छोटा स्टोर का वो लिया है। और यहाँ पे ना सप्लाईज, रुकना, ठीक है, सप्लाईज ये है, प्रोडक्ट ये रहे। तो ओके, यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ये अभी के लिए ओपन करें। यार यहाँ पे ये भी है 13 लेवल पे, पर चलो अभी के लिए ना इसको ओपन करते हैं। बट थोड़ा सा नहीं, अभी टाइम है। तो मैंने एक और परचेज कराया अभी। एंड यहाँ पे ना अभी इनका प्राइस वगैरह भी सेट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए भाई कार्ड्स वगैरह काफी कुछ है यार इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर है और एक सेल्फ है। तो यार सेल्फ काफी ज्यादा महंगा है, तो सेल्फ तो नहीं मंगाने वाला। सेल्फ $700 का है, वो मेरे पास इतने पैसे तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 360, ठीक है, 1 2 एंड ये 3, आई थिंक हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा महंगा भाई, सबसे सस्ता ही है ना, इसको हटाओ। एंड इसके बाद हम रख सकते हैं एक ड्रायर, ठीक है। कितने डॉलर बने भाई? तब भी इतने बन रहे हैं, 300 का घट का सामान लेना पड़ेगा क्या हमें? मेरे को ना 300, तो मेरे को ये वॉच हटानी पड़ेगी। छोड़ो यार, एक हटा ही देता हूँ ना, बाद में देखेंगे। तो ठीक है गाइस, फाइनली अभी ये मंगा रहा हूँ। एंड यहाँ पे इनके प्राइस वगैरह सेट करने हैं, तो प्राइस भी हम साथ के साथ ना सेट कर लेते हैं। मैंने परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, डन। एंड यहाँ पे मेरे को लगाने हैं इनके प्राइस अपग्रेड। अपग्रेड तो नहीं कर सकते अभी स्टोर को, पैसा नहीं है उतना ना हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पे देखो ड्रायर्स हैं जो कि $50 के हैं, बट मैं इनको रखने वाला हूँ $70। एंड जब पैसा कमाएंगे यार तभी तो बात बनेगी। और इसको रखने वाला हूँ 35, इसको रखेंगे हम 37, $10 बढ़ा रहा हूँ इन पे। और इसका 54 है, तो इसका 75, इसका कम से कम 45 समथिंग, इसका भी 45। तो ठीक है गाइस, फाइनली अभी के लिए मैंने एक प्राइस रखा है एंड स्टोर को भी ओपन कर दिया है। तो बस अब मेरे को ना एक काम करना है, ये इनको चल के ना यहाँ पे लगाना, बस ये वाले छोटे वाले सेल्फ पे आ जाएं ये, ठीक है। चलो भाई सेल्फ तो आ गए, डन। अब मेरे को दिक्कत नहीं है क्योंकि इस सेल्फ पे आ रहे हैं, तो चक्कर ही नहीं है कोई। एंड ना जो बाहर की तरफ ये देख रहे हो ना अभी, ये वाला स्टोर, इसको भाई हमें कॉम्पीट करना है अभी, तो इसको भी साथ के साथ कॉम्पीट करेंगे। पर उससे पहले अपने स्टोर को थोड़ा बड़ा कर ले पहले, ठीक है। चलो अभी बात ही नहीं मारनी है, स्टोर को बड़ा भी करना भाई। 2 सेल्फ से मैं अपने स्टोर को चला रहा हूँ भी, ठीक है, लोगों को आने दो, देखते हैं इनको इनका प्राइस कैसा लगता है। अगर टू नहीं यार, एक्सपेंसिव तो नहीं है, पावर वोल्ट नहीं है इसके पास, ठीक है, एक कम है टू पावर वोल्ट, सील्ड फ्लैक्स, ओके ठीक है, इसने लिया है कुछ, ओके डन डन। तो ठीक है गाइस, अब देखो अर्निंग काफ़ी तेजी से बढ़ेगी हमारी। तो मैं अभी के लिए भी यहाँ पे एक और था ना, यहाँ पे था ये $360 का ना, ठीक है, इसको मंगा लेता हूँ, हैवी वोल्ट, डन, ठीक है, लो मैम ले जाओ। चलो भाई कस्टमर्स अब आना स्टार्ट हो रहे हैं अच्छे तरीके से। एंड ना यहाँ पे मैंने अब काफ़ी तगड़ा तगड़ा सामान खरीदा है जो कि ना हमारे काम आए। अरे यार इसको मैंने परचेज करा था, मैंने इसको ज़्यादा परचेज कर लिया फालतू में, ठीक है यार, इसको ना सेल करना पड़ेगा मेरे को जल्दी से जल्दी, तभी हमारी बात बनेगी, ठीक है। लोग ले तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ले रहे। देखो मेरे पास $200 कुछ फिर से हो गए, तो ठीक है। होम, आई वॉन्ट होम शॉट, होम शॉट क्या भाई, होम शॉट भी है क्या कुछ, देखता हूँ इसमें है कोई होम शॉट, केस, मास्टर एक्स, सेफ, ये देखो छोटा मोटा सामान तो हम रखेंगे बट अभी तो नहीं रख सकते ना, तो ठीक है। हाँ नहीं यार, होम शॉट नहीं है आई थिंक, नहीं बाद में आएगा। और यहाँ पे कैशियर वाला है बट अभी तो नहीं रख सकते, रुको शॉप ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ये ओपन करना, उसके बाद भाई ये ओपन होगा, इसमें ना सारा का सारा डिज़ाइन का सामान है RGB, तो हम अपनी शॉप को RGB में डिज़ाइन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा शॉप को बनाने में। तो यहाँ पे लेवल्स देख रहे हो तुम भाई, 40 लेवल्स तक है, 40 लेवल्स पे तो TV वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने पास, तो ठीक है। एंड रिव्यू वगैरह,
ठीक है, स्टोरेज मैंने ओपन नहीं करा ना अभी, स्टोरेज की तो जरूरत भी नहीं है। रिव्यू काफी गंदे आ रहे हैं यार हमारे स्टोर के अभी। रिव्यू के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें तो। ठीक है मैडम आ रही है एक, तो चलो मैं ना जल्दी जल्दी सेल करता हूँ यार, थोड़े ना पैसे कमाता हूँ फिर देखते हैं। और हाँ यहाँ पे एक मेल का सीन भी है तो मेरे को बताना। डेली न्यूज़ देखो, वी जस्ट गॉट वर्ड दैट समवन ऑर्गेनाइज्ड द बॉम्बिंग ऑफ अ हार्डवेयर स्टोर। इट्स ठीक है भाई, नोवेटिक हार्डवेयर स्टोर, इट वॉज अटैक्ड अ वाइल अगो विद अ रॉक थ्रो विंडो। ओके तो क्या बोला है, ब्लोन अप, इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी पनिश्ड। ओके तो किसी ने ना भाई स्टोर में बम फेंका है। रुकना, इसके सामने वाला स्टोर तो ठीक ठाक है, इसमें तो किसी ने कुछ नहीं करा। चलो और होमलेस पीपल से बात करूँ मैं, क्या कह रहा है, सो यू वाना इवन अ प्लेइंग फील्ड अ बिट फॉर जस्ट अ 250 बक्स इन आई कैन मेक द हैपन हेयर द डील। ओके तो ये भाई देखो, ये एक तरह से ना हमारा काम करेगा कि उन चीज़ों का काम करेगा जैसे हमारे कंप्यूटर वगैरह ना, उनको मेरे को लग रहा है हटाने के लिए काम करेगा आने वाले टाइम में। तो ठीक है चलो 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 मैडम लो। ठीक है भाई, 500 कुछ डॉलर मैंने कमा लिए इतनी जल्दी में। तो ठीक है गाइस, अब पैसा काफ़ी फास्ट बन रहा है मेरे पास। तो मेरे को ना लेवल अपग्रेड करने के बाद ना, ये कितने का है, कितने का था, 11 वाला, 500 डॉलर का ही है ना, पोस्टर सिटी। ओके ये सब मैं परचेज करने वाला हूँ, पोस्टर सिटी वगैरह। तो ठीक है आने दो, तब तक मेरे को ना कस्टमर को सेल वगैरह करने दो। मैंने इससे बात करता हूँ, इसको मैं दे ही देता हूँ 250 डॉलर ना। ठीक है, कैंप राइट इन फ्रंट ऑफ शाइनी स्टोर, क्रॉस टू स्ट्रीट मी एंड माई यूनिक सेंट विल देयर कस्टमर अवे लाइक फ्लाइज फॉर फायर, ट्रस्ट मी। ओके यार एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यू गो द ईमेल। ओके देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा देन देखते हैं फिर। अभी मेरे को मेल आई है, एक और मेल चेक करता हूँ। ठीक है यहाँ पे, ओके ऑन द स्ट्रीट अ होमलेस मैन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ रियोट आफ्टर ही वाज नॉट सोल्ड अ फोन एट 99% डिस्काउंट। दिस सिटी रेजिडेंट स्टैंड एट द डोर ऑफ द स्टोर एंड स्केयर्स द विजिटर विद द सेंट रेजिडेंट एंड स्ट्रीट। ओके पुलिस टू इनवर ये क्या भाई, इंटरवेन बट दे वेयर नॉट गिवन द डिस्काउंट। ओके चलो भाई यहाँ पे पहले इनको फोन, भाई अपना सामान देख लूँ फिर मैं देख के आता हूँ क्या ही सीन है उसका। तो ठीक है, ओ ये रहा ना ये, ओके ये रहा है बंदा। ठीक है, पर लोग तो अभी भी आ रहे हैं ना इनके पास, लोग अभी भी आ रहे हैं भाई। बच्चे आ जा मेरी शॉप पे, आ जा दोस्त मेरी शॉप। भाई आ ही नहीं रहे मेरी शॉप पर, रुको यार 2 मिनट, यहाँ पे इनको भी दो सामान। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है भाई, 650 डॉलर हो चुके हैं मेरे पास एंड मेरा जो लेवल है वो 11 पे आने वाला है। तो ठीक है भाई, लेवल ही बढ़ रहा है यार, पैसा नहीं बढ़ रहा ज़्यादा हमारे पास अभी। सर जी क्या प्रॉब्लम है आपको, सही बैठे हो वैसे। इसकी स्टोर में देखो खाली हो गया भाई इसका स्टोर, इसके स्टोर में घुसने ना देना एक भी बंदा। अभी आ रहा है ड्रा इसको। ठीक है आई नो योर, ओ भाई उल्टा सीधा बोल रहा भाई ये तो, गाली उलोच पे आ रहा है यार वो। ठीक है चलो फाइनली एक और आया ऑर्डर। ठीक है टर्न, ओके तो यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपनी शॉप पर। कार्ट वगैरह है, फर्नीचर्स, डेकोरेशंस, डेकोरेशन तो अभी अपना ओपन हुआ ही नहीं है। ठीक है रजिस्टर काउंटर ये हो गया है एंड ना मैं कुछ 700 डॉलर है ना, मैं और सामान मंगा लेता हूँ, रुकना मिनट। फर्नीचर्स एंड यहाँ पे मेरे को मंगाना चाहिए, ये मंगाते हैं ना, ये भी नहीं मंगाया था मैंने, ये भी नहीं मंगाया था। ठीक है मैंने 2 ऑर्डर देखे हैं अभी के लिए क्योंकि आएंगे इतने में। ठीक है सस्ते आ गए, टनफॉइल लाइन लग चुकी है यार लंबी यहाँ तो। ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी है इस बारी। ठीक है डन, यहाँ पे मैंने सामान वगैरह मंगाया, चलो डन। ओके यहाँ पे तुमने देखा होगा हमारा जो लेवल है वो 11 हो चुका है। ठीक है और मेरे को 11 ही करना था, चलो ठीक है डन। यहाँ पे ना इसको फेंको। ठीक है कार काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है यार, कार का प्राइस मेरे को देखना पड़ेगा, कार का प्राइस मेरे को बढ़ाना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। सप्लाईज अपग्रेड, कार कहाँ पे है, कार मैंने 75 डॉलर रखी है ना। ठीक है कार का प्राइस बढ़िया रखा है मैंने। ठीक है देखते हैं कौन कौन परचेस करेगा, कार कोई परचेस करेगा मैं समझ जाऊंगा भाई, प्राइस बढ़िया रखा है हमने। ठीक है इसका प्राइस भी ठीक है, ओ कार परचेस कर रहा है बंदा, मतलब प्राइस हमने अच्छे रखे हैं कार्स के।
तो ठीक है गाइस, फाइनली ये भी हो गया। एंड अभी मेरे को ना यहाँ पे और चीज़ें भी सेल करनी है, रुको मैं यहाँ से मंगाता हूँ भाई प्रोडक्ट, और यहाँ से मंगा लेते हैं हम वॉचिस, ठीक है। और उसको कर देता हूँ मैं पेमेंट, $200 बचे हैं मेरे पास। ठीक है यार, अब दिक्कत नहीं लग रही मेरे को कोई। चलो फाइनली हमने यहाँ पे काफ़ी सारा सामान परचेस कर लिया है, और यहाँ पे हमने सेल्फ वगैरह भी भर लिए हैं। तो ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, $200 है ना, मेरे को थोड़े पैसे चाहिए जिससे कि ना मैं अब क्या कर सकूँ, यहाँ पे और प्रोडक्ट ओपन कर सकूँ। तो मैं एक बार ना प्रोडक्ट वगैरह देख लेता हूँ यहाँ पे, रुकना दो मिनट। $500 ना, अबे 500, अरे $500 है ही नहीं। एक और लोन ले लेते ना यार बैंक से, क्या होगा भाई 3,000 का लोन एक करते हैं। चलो तो ठीक है गाइस, फाइनली एक और लोन लिया मैंने, एंड यहाँ पे ये 13 लेवल पे खुलेगा ना, डन। तो मेरे को चाहिए सेल्फ्स वगैरह अब चाहिए, ठीक है, डन डन। चलो भाई, एंड यहाँ पे ना मेरे को चाहिए अभी सेल्फ। देखो शॉप को बढ़ाने के लिए लोन तो लेना पड़ेगा, और एक सेकेंड, नहीं भाई $500 मैंने पोस्टर्स के लिए लगाए हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मेरे को डेकोरेशन आइटम थोड़ी ना चाहिए यार, मेरे को सेल करने के लिए, मुझे लगा हेडफोन्स है, पोस्टर सिटी लिखा है भाई, क्या ही सीन है। मेरे को देखना पड़ेगा क्या सीन है, आई थिंक पोस्टर वगैरह भी सेल होते हैं लगाने के लिए। मेरे को डेकोरेशन आइटम्स लग रहे हैं सब ना अभी, ठीक है, और ये भी डेकोरेशन आइटम है। देन उसके बाद भाई बड़े बड़े आइटम्स ओपन होंगे भाई। फाइनली देखो 15 लेवल तक मेरे को ओपन करना है, बढ़िया खासा, और स्टोर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है यार, चलो अब क्या कर सकते हैं गाइस, जो होना था वो हो चुका है, और स्टोर को हम थोड़ा सा अपग्रेड भी कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वॉल्स है जो कि मैं लगाने वाला हूँ, वॉल्स बढ़िया वाले वॉल्स बनाने वाले हैं हम, तो रेड लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे और कौन सा, वाइट अच्छे लगते हैं ऐसे तो, बट मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए ब्लैक वाइट, चिक चैक भी है इसमें, ब्लैक रख के देखें क्या, रुकना। अरे भाई अल्टीमेट, अल्टीमेट लग रही है यार स्टोर। मैं ना अब वाइट रखने वाला हूँ नीचे का बेस सारा ना, क्योंकि मेरे को वाइट दिखना चाहिए। ठीक है, जाइए बच्चे। भाई सबने स्टोर में से काफ़ी सारा सामान परचेज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना था, ठीक है, मैनेज में आना था, कस्टमाइज पे आना था, वॉल्स भी चेंज करने थे, वॉल्स हो चुके हैं ना चेंज, मेरे को यहाँ पे इसके ये चेंज करने थे ना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, अबे भाई बहुत सारे हैं इसमें भी, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक चेकमेट वाले हैं, ठीक है। मेरे को यार देखो ये काफ़ी ज़्यादा ना शाइनी टाइप है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चलो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा बढ़िया खासा पेंट फ्लोर भी, एंड $100 लगे थे यार, कोई बात नहीं, बट हमारे ना इसमें रिव्यू अच्छा मिलेगा हमारी शॉप को। ठीक है फाइनली हमारा ये हो चुका है, एंड ना मेरे को अभी चलना है यहाँ पे, यहाँ फर्नीचर्स पे आओ दो मिनट, यहाँ पे सेल्फ मंगाते हैं, ठीक है, दो सेल्फ हो गए। एंड ना मेरे को थोड़ा बहुत सामान भी मंगाना है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, कितने बने हैं, 3,538 डॉलर ना, और डेकोरेशन में कितने के थे, ये $100 का है ना ये, ठीक है, मैंने एक मंगा लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, एक डेकोरेशन आइटम मंगा रहा हूँ, बाय करते हैं, ओके डन। भाई मैंने काफ़ी सारा सामान मंगाया यार, ठीक है, आइए आइए सर आइए। भाई मैंने ना काफ़ी सारा सामान मंगाया, वो देखो तो यहाँ पे है, अबे ओए मैडम, ओए ओए, नहीं 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 भाई मैडम, तो उठा के यार ये ना बॉक्सेस तो ऐसे फिर दिक्कत देंगे ना मेरे को, रुकना दो मिनट, इसको यहाँ पे लगाओ पहले, यार ऐसे तो फिर बॉक्सेस पे दिक्कत आएगी ना मेरे को यार, रुकना दो मिनट। ओहो भाई इसको ना मैं ऐसे लगाने वाला हूँ, ठीक है, और इसको ओपन करो, इसको यहाँ पे लगाओ, भाई हमारा स्टोर ना अब धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा, ठीक है डन। एंड यहाँ पे ये है, ओके, ओ वेट यार ये दोनों तरफ से हैं, ठीक है, मेरे को ना इसको उठाना, रुकना दो मिनट, ये उठेगा नहीं क्या, ठीक है, एक ही तरफ से यार, मेरे को दो साइड से लगा वो, और कहाँ पे है एक बॉक्स, ये रहा ना, ठीक है। अबे भाई इतनी जल्दी खत्म, सेल्फ काफी ज्यादा बड़े हैं यार ये वाले तो, ठीक है ओके खत्म, ये भी ना दो मिनट इन्हें ना मैं इनका सामान दे दूं, इससे कि ना जल्दी जल्दी जाए, ठीक है, डन इट। एंड ये उठाओ, इसको ओपन करो,
और इसको सेल करना है अभी। ठीक है चलो ये भी हो गया। ठीक है इसको अभी लगाना है मेरे को, डन। ये भी लगा दिए हैं हमने स्टोर पे। भाई स्टोर में ना काम ज़्यादा हो जाता है ना तो दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं है अभी भी। ठीक है यार ड्रायर्स हैं, कैन नॉट प्लेस। ओके ठीक है, मैं ड्रायर्स वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता बट यहाँ तो कर सकता हूँ ना भाई। तो ठीक है गाइस फाइनली, ठीक है चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ जिसे आना है। फाइनली भाई बहुत अच्छा फायदा हो रहा है हमारा। एंड मेरे पास कितना है लेवल, मैं ओ भाई 13 लेवल पे पहुंचने ही वाला हूँ अब। ठीक है गाइस फाइनली देखो मैंने यहाँ पोस्टर भी लगाया है एक। ठीक है तो डन यार, मेरा अच्छा काम चल रहा है अभी। तो मैं एक वर्कर, अब कैशियर हायर कर लेते हैं एक, अब कर सकता हूँ एम्प्लॉय हायर। तो ठीक है 15, एक कैशियर हायर करो, दो कैशियर हायर कर सकता हूँ भाई इधर मैं भी। ठीक है चलो, बट दो कैशियर की ना मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, बट कर ही लेते हैं चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और कैशियर के लिए, रुको मैं सामान मंगा लेता हूँ भाई। एक कैशियर का बॉक्स हो जाएगा। अरे यार ऑर्डर तो करना ही भूल गया मैं। ठीक है यहाँ पे करा ऑर्डर, एंड अभी के लिए यहाँ से उठाओ। और यहाँ पे हमें चाहिए एक और कैशियर, तो ठीक है इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो ज़्यादा लंबा ना पड़ जाए यार यहाँ से ना। रुकना 2 मिनट, इसको मैं लगा देता हूँ इस साइड ना। ओके तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है। एंड इसे क्या हुआ, ओ यार ये ना गलत पड़ेगा ना, पर दिक्कत तो ये है ना यार, ऐसे नहीं रखना ना, इसको क्रैप करते हैं ना, इसको मेरे को सही ढंग से रखना पड़ेगा। तो ठीक है यहाँ से अब सीधा हुआ है ये, डन। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, अब यहाँ पे लोग आएंगे एंड यहाँ पे भी खड़े होंगे, ये देखो तो ये खड़े हुए, एंड यहाँ से हम इनको सामान देंगे और ये ज़्यादा आ पाएंगे अब मेरे पास। ठीक है डन 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 भाई डन। तो फाइनली अब फायदा होगा हमें। चलो ये देखो यहाँ पे मैं एक और कैशियर रख सकता हूँ, दो दो कैशियर अब हायर कर सकता हूँ। तो ठीक है मैं एक बार ना यहाँ से, यहीं पे हायर होगा ना। बट स्टोरेज रिव्यू कस्टमाइज, स्टोरेज भी बड़ा कर सकते हैं बट स्टोरेज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है तो यहाँ पे ये रहा एम्प्लॉय, इसको करते हैं हायर। तो मैंने दो एम्प्लॉय अभी के लिए हायर कर लिए हैं। एंड ना अब देखो आई रिकमेंडेड टू शॉप माई फ्रेंड्स, ओके मैम करो करो। ठीक है गाइस फाइनली भाई कितनी अच्छी अर्निंग हो रही है हमारी इस टाइम। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं और पोस्टर्स मंगा सकता हूँ, बट अभी मेरे को पोस्टर्स नहीं मंगाने, अभी मेरे को क्या करना है, मैं करता हूँ कि यहाँ पे और सामान मंगाता हूँ जो कि महंगा है अभी, तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा महंगा चल रहा है अभी सामान। तो एक दो तीन, तीन चार पाँच छः। तो ठीक है मैंने और ऑर्डर मंगाया है, ये कितने का है, $1900 का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो सामान किया, देखो सामान में अभी मेरे को मंगाना पड़ेगा भाई, बॉक्स नीचे का निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ठीक है अभी मैं इसमें भी लगा देता हूँ कुछ सामान जो कि काम आएगा अभी। तो ठीक है डन, यहाँ फुल करो इसको। बट ये है यार हमारी शॉप अब अच्छी चल रही है। चलो 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 ठीक है, अब लोग आएंगे ना तो हमसे परचेज करेंगे, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा उन्हें। तो ठीक है गाइस फाइनली ये भी हो गया, इसे यहाँ लगाओ एंड इसे भी यहाँ लगाओ। ठीक है ड्रायर्स लग चुके हैं और अभी के लिए इसको उठाओ, टर्न। ठीक है इसको यहाँ लगाओ, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ठीक है ये खत्म, डन इट। ये कौन थे यार एक ही सेम सेम कपड़े पाके, मैम वेलकम। अरे नहीं सुनेंगी भाई, भाई सेम सेम कपड़े पाके आ रहे हैं वो, ये चीज मैंने नोटिस करा उनको। ठीक है मैंने $1000 कमा लिए गाइस, अब देखो कितनी जल्दी हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं एक चीज। चलो तो ठीक है भाई, इसने काम करवाया क्या मेरा ज्यादा का? ठीक है पेड लोन, ओके तो हमारा सारा का सारा पे हो चुका है भाई लोन में। फिट 3 दिन का लोन है ना हमारा, तो मेरे हिसाब से वो लोन जल्दी ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है लोन एक्टिव ऑलरेडी, ठीक है नेक्स्ट बिल आएगा, इसका ज़्यादा बिल गया। अच्छा 1000 कुछ का, नौ भाई काफ़ी ज़्यादा बिल गया है इसका तो। ठीक है अभी तो मेरा और तगड़ा बिल आने वाला है गाइस,
तो यहाँ पे हमारी जो शॉप है वो बढ़िया चल रही है, एंड अभी मैं शायद से घाटे में तो कुछ नहीं ले सकता ना। एक मेरे को पोस्टर और लेना था, ये वाला लेना था, या फिर कीबोर्ड माउस में से भी ले सकता हूँ। एक हेडफोन वाला माउस देखें, ले पाऊंगा क्या? नहीं मंगा सकता ना मैं अभी, जब तक मेरा लोन ख़त्म नहीं होता। तो ठीक है गाइस, फाइनली लोन वगैरह ख़त्म होने दो, एंड शॉप काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन चुकी है। पर ना यार, शॉप का ब्लैक कलर ना काफ़ी बकवास लग रहा है मेरे को, ना शाइनी टाइप कलर चाहिए था। 2 मिनट रुकना, वॉल्स का कलर, अबे नहीं, शॉप को ओपन रखो अभी। ठीक है, शॉप में कलर देखते हैं ना, शॉप का वॉल्स कलर है ना जो, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें है, तो हम वाइट मार्बल्स वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कलर्स तो नहीं है, कॉपर भी कर सकते हैं जो कि शाइन करेगा थोड़ा बहुत, एंड ब्लैक तो नहीं शाइन कर रहा ना। तो मेरे हिसाब से पैसा होने दो, मैं ना एक और वॉल्स लगाने वाला हूँ, कलरफुल वॉल्स। ओके, येलो वॉल्स, उसकी सामने वाली भी अच्छी लग रही है ना। ठीक है, ब्रिक्स लगा सकता हूँ मैं, जिगजैग ब्रिक्स। ओके, तो गाइस देखो ओपन हो चुका है, $100 का ना। अब ठीक है यार, शॉप ये देखो, थोड़ी ना शाइनी टाइप शॉप है, बाहर से तो ब्लैक है बट अंदर से शाइनी लग रही है, फ्लिंट टेक स्टोर। तो ठीक है गाइस, फाइनली और भी है क्या? मैं और भी चेंज कर सकता हूँ ना यार, बट पैसे लगेंगे ना बार बार। देखो, एक चीज़ को बार बार खरीदने के $100 ही बार बार लेगा मेरे से। उसकी तो दिक्कत है। और कौन से हैं, ये भी है, वुडन वाले भी है, शेडन वुडन। एंड मेरे को तुम सब कमेंट में बताना यार कौन से ज़्यादा अच्छे लगेंगे हमारे स्टोर में। अभी के लिए मैं एक और वो परचेज कर लेता हूँ, डेकोरेशन नहीं, हाँ डेकोरेशन ही था, डेकोरेशन ही था। तो मैं एक माउस वाला परचेज करता हूँ। ठीक है, डन। एक ही चाहिए मेरे को, दो नहीं चाहिए। ठीक है, डन डन डन। ओके, तो मेरे को इसको लगाना है, अभी नीचे भी लगा सकता हूँ भाई, ये देखो। अभी नीचे लगा दूँ क्या? छोड़ो छोड़ो, अभी नीचे नहीं लगाना। ठीक है, ओके। तो ठीक है, एक मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाया, और अभी के लिए ना हम ओपन कर सकते हैं अब नवा एक और 15 लेवल वाला, आई थिंक 15 लेवल वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ओपन हो गया, और एक सेकेंड $1200 का इलेक्ट्रो एम्पायर मिल रहा है भाई। तो यार मेरे को ये चाहिए वैसे, इलेक्ट्रो एम्पायर, पर मेरे को चाहिए $1200, और इनका प्राइस और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, $800 का ये है, बट इसको लेने के लिए ना मेरे को पैसे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है चलो छोड़ो, अभी के लिए तो भाई देखो यार, सारा काम ना बढ़िया चल रहा है। एंड ना एम्प्लॉय कितने पे हायर होगा? एक और 15 पे होगा। ये भी कैशियर है। वेट, मैंने एक चीज नोटिस नहीं करी, स्टोकर भी हायर हो रहा है भाई। मैंने दो गलत कर लिया यार, हायर रजिस्टर काउंटर वाले। ठीक है, मैं स्टोकर को हायर करता हूँ ना, स्टोरेज ओपन होना चाहिए इसके लिए। ओके, तो हमें स्टोरेज ओपन करना पड़ेगा ना मेन, तो इसके लिए मेरे लगेंगे $1000 लगे यार स्टोरेज के लिए, अभी तो नहीं कर सकता ओपन भाई। एंड ना यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई? इसने मेरा काम बनवाया था, यू नो थिंक आर गोइंग विंडो एडिशन गुड बट वी कैन डू बेटर, हाउ थ्रो अ लिल सरप्राइज पार्टी एंड बाय पार्टी, आई मीन आई एल चक अ नाइस बिग रॉक थ्रू देयर विंडो ग्लास एनी वेयर कस्टमर स्केट आउट देयर वेट्स दे आर बी रनियन टू योर शॉप इन नो टाइम, जस्ट अनदर 500 बक्स एंड वॉच योर सेल्स सोर्स। भाई एक्सेप्ट, कोई बात नहीं। ओ भाई, इसने कॉम्पिटिटर किया, अबे ये उठा लूँ क्या इसका? ओ भाई, इसने क्या करा कि इसने ना उसकी वॉल ही तोड़ दी, विंडो जो थी, एंड कस्टमर जा रहे हैं तब भी। बट ना ये कस्टमर शायद से मेरे स्टोर पे आएंगे। ठीक है, देखते हैं, मेरे स्टोर पे सामान है ना अभी, और ये सामान कम भी हो रहा है यार। ठीक है, $500 दिए थे ना उसको मैंने, 2 मिनट में ना सामान मंगा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, डन। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या नहीं है, मैं लास्ट में देख लेता हूँ, स्टॉक्स में ये नहीं है, एंड ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी मंगा देता हूँ, ये भी मंगा देता हूँ। यार काफ़ी महंगा आएगा ना, 1000 के ऊपर निकल गया सामान। ठीक है, 2 मिनट रुको, पैसा तो मिल जाएगा ना मेरे को। ठीक है, थोड़ा और, तीन चार पाँच वॉच पड़ी है। वेट भाई, इसने क्या करा, इसका ग्लास ही तोड़ दिया, एंड फोन वगैरह देखो क्या। अभी मुझे लगा उठा सकता हूँ इसका फोन मैं। ठीक है, टीवी वीवी सब गिर गया भाई इसका। भाई इसने इसकी डिस्ट्रॉय कर दी है शॉप ही, कॉम्पिटिटर की। तुम हाल देखो शॉप का। ओ भाई, इसने पूरी की पूरी शॉप ही डिस्ट्रॉय कर दी है भाई। शॉप पे हाल देखो, इसने क्या करा है।
सही में मेरे को लगा नहीं था यार, पर इसने डिस्ट्रॉय कर दी भाई, टीवी भी सब कुछ गिरा दिया इसने। तो ठीक है गाइस, फाइनली देखो यहाँ पे हमारा काम बन चुका है, $1,700 मिले हमें। एंड यहाँ पे मैं और क्या मंगा सकता हूँ, डोंट पोस्टर नहीं ओपन होना चाहिए ना, फिट प्लस की घड़ी भी मंगा लेते हैं ना। ठीक है, फिट प्लस की घड़ी नहीं मंगाई थी ना मैंने, डन यार। चलो जो जो मैंने सामान ऑर्डर करना था वो कर दिया है, मेरी शॉप पे कुछ नहीं पड़ा। अबे 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 भाई, अभी फायदा कमाना है तो सबको लगाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, पता है क्यों? क्योंकि ना अभी कस्टमर्स हैं वो उसकी शॉप पे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी शॉप हो चुकी है, टूट चुकी है। एंड ये काम क्या करा है हमारे जो भी बंदा है भाई उसने, तो ठीक है उसे $500 दिए थे मैंने इस चीज के लिए। ठीक है चलो इसको ना यहाँ पे लगाओ, ठीक है डन भाई। ड्रायर भी लग चुके हैं एंड ना अब लोग हमारे पे ना काफी ज्यादा आएंगे। चलो चलो भाई, ठीक है काफी अच्छा काम बन गया यार, उसकी वॉल जब हमने उसको दुकान वगैरह तोड़ दिए ना उससे। ठीक है तो अभी के लिए मेरे को यार अपने स्टोर को ना और तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है डन, अबे इधर लगा नहीं क्या? तो ठीक है यार, और ज्यादा तगड़ा करना पड़ेगा मेरे को स्टोर पे। और अरे भाई क्या काम करके, ऑल राइट लिसन अप एंड हैंड द बॉक्स फुल, देयर स्टॉप टॉप सेलिंग गैजेट, डोंट आस्क मी हाउ, लेट इट जस्ट से इट फेल ऑन अ ट्रक, आई एम वाइलिंग टू लेट यू नो, रियल फ्रेंडली प्राइस 50% ऑफ दैट्स अ स्टील एंड यू कैन। ओ भाई साहब, ये मेरे को ऑफर दे रहा है, आई थिंक मेरे को ये ऐसा ऑफर दे रहा है कि मैं इसका जितना भी सामान है 50% ऑफ पे तुम्हें दे दूंगा चोरी करके। तो मुझे तो लग रहा भाई देखो काफी बढ़िया डील दे रहा है $1,500 में, पर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो मेरे को पैसा कलेक्ट करना है। एंड मेरे पास है यहाँ पे 2 रजिस्टर, तो मेरे को दिक्कत नहीं है पैसा वगैरह, देखो मैं जल्दी कमाऊंगा। बस मेरे को एक स्टॉकर चाहिए और एक स्टोर रूम चाहिए। तो ठीक है स्टॉकर के लिए भी हम ना थोड़ा कर ही देते हैं, स्टोरेज भी ओपन कर ही देता हूँ, $2,000 मेरे पास। बट ना एक सेकेंड, अभी पता है दिक्कत क्या होने वाली है, क्योंकि रात तो नहीं हुई, सुबह के 6 बजे। एंड बिल कितना बजे कटना है इसका? ठीक है अभी बिल साइकिल आई थिंक स्टार्ट ना हुआ हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस पे चलते हैं, तो हमें कहाँ गया, इधर पे चलते हैं, स्टोरेज को परचेज करते हैं $1,000 में। एंड ना यहाँ पे एक स्टॉकर रखना था, तुम्हें याद होगा, तो मैं एक स्टॉकर रख लेता हूँ जो कि अब सामान लगाएगा सारा। तो ठीक है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। तो ठीक है गाइस, फाइनली मैंने अभी सामान ऑर्डर करा, ओके डन। तो अभी के लिए मैंने यार काफी तगड़ा सामान ऑर्डर करा, एक सेकंड, मैंने गलती से ना गलत सामान ऑर्डर कर दिया यार, शिट भाई गलती से ना मेरे से गलत वाला सामान ऑर्डर हो गया। डन, मैंने अभी तुम्हें रीस्टॉक कर भी दिखाता हूँ। ठीक है थोड़ा और पैसा, थोड़ा और पैसा दो भाई, मेरे को थोड़ा सा और चाहिए, $684। डन चलो फाइनली ना मैंने और बॉक्सेस मंगा दिए एंड मेरा स्टोरेज भी ओपन हो चुका है भाई। ठीक है यहाँ पे देखो अब सामान आना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे रीस्टॉकर्स है ना वो ये जितना भी सामान है ये सबको लेके जाएंगे और रखेंगे। वैसे तो मैं अभी उठा सकता हूँ इसको, ठीक है रीस्टॉकर रखेंगे ही क्या सामान, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, ये लगाएगा नहीं क्या? मैंने एक बार चेक करता हूँ, रीस्टॉकर जो है हमारे पास वो क्या ये सामान नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे को लग तो नहीं रहा वो लगाएगा। वे क्या करेगा ये रीस्टॉकर, क्या करेगा मेरे को देखना है। यहाँ पे ये वाला भी ओपन हो गया 2,000 में, ठीक है मैंने अभी पहले उससे डील करूंगा, देन देखते हैं क्या ही सीन होगा। तो 17 हमारा लेवल हो चुका है और मेरे को देखना है मैनेज में जाके, रुको रुको रुको, मैनेज में नहीं इम्प्लॉय में जाके। एंड यहाँ पे स्टोकर 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 क्या करेगा ये, टेक बॉक्सेस फ्रॉम स्ट्रीट ऑन स्टोरेज एंड प्लेस प्रोडक्ट ऑन सेल्फ, ओके तो ये काम हमारा कर देगा भाई। देखो ये रख रहा है बॉक्सेस, ठीक है ये सेल्फ पे लगा रहा है बॉक्सेस, अभी तुम देखना वहां से लेके आएगा बॉक्स एंड सेल्फ वगैरह पे वो लगा देगा अपने आप ही। ठीक है ये मैंने फोन उल्टा, अरे यार मैंने ना ये उल्टा लगा दिया भाई, रुकना 2 मिनट। ठीक है मैं इसको ना ऐसे लगाता हूँ सेंटर में, डन। तो ये ना सारा सारे प्रोडक्ट वगैरह ना लगा देगा अपने आप। तो फाइनली गाइस देखो आज वाले एपिसोड में हमने 2 रजिस्टर रखे, एक स्टॉकर रखा, अपना स्टोरेज परचेज करा और भाई अपने जो कॉम्पिटिटर की थी उसकी शॉप भी डिस्ट्रॉय करवा दी। तो अब फायदा हमारा होगा, बट इसके अंदर अभी जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर कोई भी कस्टमर नहीं जा रहा। तो आई होप आप स्कूल एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।